नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस सुखद मंगल वेला में माँ शारदे को सच्चत मन करते हुए ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के द्वादश पाठ विद्याधनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने पूर्व की ऑनलाइन क्लास में विद्याधनम से संबंधित दो श्लोकों को पढ़ा। आइए पाठ के जो अंतिम दो श्लोक हैं उनको अपन आज पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आइए पाठ पढ़ने से पूर्व हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ को, ताकि आपका हिंदी अनुवाद समझने में आपको सरलता हो जाए। यह कठिन शब्दार्थ हिंदी अनुवाद है, चंद्रोज्वला यानी चंद्रमा के समान चमकदार चमकता हुआ, विलेपनम यानी शरीर पर लेप करने योग्य, नालंकृता यानी नहीं सजाया हुआ, मूर्धजा वेणी यानी चोटी, वाण्य का एकमात्र वाणी, भाग्यशय अच्छे दिन बीत जाने पर। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। संस्कृता संस्कार युक्त, धारयतः धारण की जाती है, केयूरः बाजूबंद, आश्रय सहारा, रत्ने बिना रत्नों से रहित। ये तो जो अपने दो श्लोक पढ़ेंगे उसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको हमने पढ़ा। आइए आप पाठ्य पुस्तक को फटाफट खोले और विद्याधनम द्वादश पाठ के तृतीय श्लोक को पढ़ते हैं। आइए वाचन करते हैं फिर हिंदी अनुवाद करते हैं। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्वला न स्थानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः, वाण्य का सलम समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। प्यारे बच्चों यहाँ हिंदी अनुवाद करते हैं एक एक लाइन का। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, अपने शरीर पर बाजूबंद और गहने पहनने से शरीर अपना सुशोभित नहीं होता है। आप कितने भी गहने पहनो, आभूषण को पहनो और अपने आप को सुसज्जित करो। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, ये पहनो, फिर भी विद्या से बढ़कर कोई भी आभूषण नहीं है। और न ही आप इसका लेपन करो, स्नान करके सुगंधित जो खुशबूदार इत्र है उसको लगा करके आप महको, और न ही कोई आभूषण को धारण करो। लेकिन आपने विद्यारूपी आभूषण को धारण कर लिया है तो वो सर्वप्रथम माना जाएगा, सर्वप्रधानम माना जाएगा। वाण्य का समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धारयते, अपनी वाणी में अगर विद्या नहीं झलकती हो, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा नम्रता देती है, और अपनी भाषा में बातचीत के तौर तरीकों में नम्रता नहीं झलकती हो, संस्कार नहीं झलकते हो, तो वो आपके कितने भी आपने सुगंधित इत्र लगाया हो